नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेफ्लाजा कोड 6 mg की मेडिसिन के बारे में कि किस काम आती है अपनी बॉडी में। दोस्तों, यह एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन है, मतलब स्टेरॉइड ड्रग है, जो कि अपनी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है इसके लेवल को इंक्रीज कर देती है, जिससे जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स जो कि इंफ्लामेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन केमिकल मैसेंजर्स के लेवल को लो कर देता है, ताकि जैसे इन्फ्लामेशन हो गई, रेडनेस हो गई अपनी बॉडी में, या फिर इचिंग हो गई, खुजली चलना हो गई जो कि एलर्जी की वजह से हो रही हो या फिर कोई भी कारण की वजह से हो रही हो, ऐसे सिम्टम्स को ठीक कर देती है। दोस्तों, इस मेडिसिन का रूप इन्फ्लामेशन कंडीशंस में किया जाता है, जैसे कहीं पे रेडनेस हो रही हो या फिर कहीं पे पेन हो रहा हो, जलन महसूस हो रही हो, ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, जैसे एलर्जी वगैरह हो गई या फिर और भी काफी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो डेफ्लाजा कोट मेडिसिन है 6 mg की डोज में आती है। अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या दुष्प्रभाव है जो कि अपने को देखे जा सकते हैं, या तो इसकी ज्यादा डोज लेने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं, या फिर इसकी जो टॉक्सिसिटी अपनी बॉडी में होने लग जाए तो उसकी वजह से इसके जो दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट्स है, वो शो हो सकते हैं। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स शो हो सकते हैं इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसके यूज से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, या फिर वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, या फिर हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, या फिर इसके यूज के जो साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स में आने के साथ साथ जैसे इंक्रीज्ड एपेटाइट हो सकता है, मतलब भूख ज्यादा लग सकती है, या फिर वेट गेन, वजन बढ़ने लग सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं। दोस्तों, जब कभी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स देखे जाएं तो घबराने वाली बात होती नहीं है। जैसे जैसे इसकी जो डोज है या फिर इसका जो इफेक्ट है अपनी बॉडी में कम होने लगता है, वैसे वैसे इसके साइड इफेक्ट्स भी रिजोल्व होने लग जाते हैं, तो इसलिए इससे घबराने वाली बात होती नहीं है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दें या फिर और ज्यादा रोर्स होते दिखाई दें, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन्हें अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है अगर किसी के लीवर फेलियर की शिकायत है या फिर रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर की शिकायत है, तो उनको इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, लैक्टेटिंग मतलब जो बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है उसको अपन लैक्टेटिंग स्टेज बोलते हैं, तो अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उनको हमेशा दवा का प्रयोग प्रिकॉशंस के साथ में करना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आप डेफ्लाजा कोर्ट 6 mg मेडिसिन का यूज में लो और लेते ही आपकी बॉडी में तुरंत रेडनेस आ जाए, मतलब पूरी बॉडी रेड हो जाए, या फिर इचिंग, खुजली चलने लग जाए, आंखों से वॉटरी आईज हो जाए, पानी बहने लगे, या फिर नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, बार बार स्नीजिंग, छींके आने लग जाए, या फिर इरिटेबल बिहेवियर, जैसे जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ापन हो जाए, तो हो सकता है ये जो मेडिसिन है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कर रही हो, तो इस कंडीशन में आप इस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर दे, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, दवा का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करें, अपने आप से कभी भी दवा को प्रयोग में ना लें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।